सर देखने विच आया है कि बच्चियां दिन ब दिन जबर जनाह का शिकार हो रही हैं, पर हुण ये बच्चियां जबर जनाह का शिकार नहीं होणगियां क्योंकि मजीठे विच नौजवान शक्ति समाज भलाई संस्था वालों एक बहुत ही वधिया उपराला किया है, जिदी पूरे इलाके विच चर्चा है कि इन्हां मुंडियां ने रल मिल के बहुत वधिया काम किया, एक कोच प्रोवाइड किया है तो बच्चियां नूं फ्री ऑफ कोस्ट कराटे की सिक्ख्या देनी शुरू कर दिती है, तो इस तरह बच्चियां आत्म निर्भर हो जाएगियां अते एक नवा आत्मविश्वास जागेगा, तो एक बार फिर औरत कहेगी कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और बहुत ही वधिया उपराला करके नाल दी नाल उन्होंने होर अपील की थी इलाके दे विच कि जिन्हें भी इलाके दे वधिया वधिया चंगे ते चंगी सोच रखण वाले इंसान है वह नौजवान शक्ति का वध तो वध सहयोग देन, भविख विच इह संस्था नौजवान शक्ति समाज भलाई संस्था होर भी इस दे नालों वधेरे ते चंगेरे काम करेगी। इस करके आओ सारे जने रल मिल के इस संस्था का दिल खोल के सहयोग दईए। इस मौके सरदार जसबीर सिंह संधू तहसीलदार मजीठा उचेचे तौर पर इन्हां बच्चियां नूं आशीर्वाद देने लई पहुंचे। सर सुखविंदर सिंह जी, तुहाडी संस्था वालों उपराला किया गया है कि बच्चियां नूं आत्म निर्भर अते बहादुर बनाउण वास्ते कराटे सिखाए जाने आ, ते तुहाडी की संस्था का नाम है ते किस मकसद दे नाल तुसीं कर रहे हो? असीं जी एक नौजवानां ने रल के एक संस्था बनाई है जी, नौजवान शक्ति समाज भलाई संस्था जी। असीं समय समय ते जिहड़ा समाज वास्ते कुछ समाजिक भलाई वास्ते काम करते रहिंदे आ जी, वह भावें किसी भी प्रकार का होवे, इसे प्रथाई चलदिआं साडे सारे नौजवानों ने रल के एक लड़कियां नूं स्वै रखक बनाउण वास्ते जी एक उन्हां नूं कराटे की सिखलाई शुरू की है जी, नंगल पार्क मजीठा विखे, ता जो जिहड़े बच्चे आ जां छोटियां लड़कियां वा आत्म निर्भर हो सकन ते जो समाज विच कुरीतियां वा उहदा मुकाबला डट के मुकाबला कर सकन। एक छोटी जी कोशिश जिहड़ी जी साडे वल्लों शुरू की जा रही है, सो असीं आस करदे हां कि सारे जिहड़े मजीठे हलके दे जिहड़े मंत्री साहिबान ने जां मजीठे हलके दे सीनियर आगू ने वो साडा एन जी ओ का साथ देन, तां जो असीं होर भी अगे समाज विच इहो जिहा काम कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतह। साहब जी, तुसीं अज मजीठा नगर विच बच्चियां नूं कराटे सिखाउण वास्ते आए, किवें प्रतीत हो रहा तुहानूं, किवें महसूस हुंदा? सर बहुत वधिया मैनूं महसूस हो रहा इत्थे आ के कि बच्चियां नूं सिखा के, ताकि बच्चे जिहड़ा है सैल्फ डिफेंस सिख रहे ने, ते भाजी होणां वल्लों बहुत सोहणा उपराला कीता गया है कि उहनां बच्चियां नूं फ्री ट्रेनिंग दे रहे ने, तो मैनूं अज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन्हां नूं इत्थे आ के सिखा रहा, तो इन्होंने मैनूं इत्थे अपॉइंट किया है, तो बहुत सोहणा लग रहा सर।